नमस्कार दोस्तों, भारत में कई महान राजा बने थे, लेकिन जिस राजा ने सबके दिलों पर राज किया और जिन्हें प्रजा स्वयं प्रजा हितेशी की उपमा देती है, ऐसे महान राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। उन्हीं के निर्माण किले आज भी उनके साक्ष्य देते हुए खंबीरता के साथ हवा पानी और धूप से लड़ते हुए आज भी अजरामर है। ऐसा ही एक किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने अरबी समंदर में बनाया था, जो अपनी भव्यता की खासियत देता है, और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा समंदर का किनारा लगा है, तो उस वजह से विदेशी आक्रमक समंदर के माध्यम से आ सकते हैं। तो इसलिए समंदर में किले बनाना एक भारतीय भूमि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कारण बनेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समंदर में कई सारे किले बनाए थे, जो कि आगे चलकर बहुत अच्छे साबित हुए, जिससे हमारे भारत भूमि को सुरक्षा प्रदान हुई। ऐसा ही एक किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, जिसका नाम है सिंधुदुर्ग। तो इस किले के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम किले का निर्माण। सिंधुदुर्ग किला एक ऐतिहासिक किला है, जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर बसा है। किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। यह किला महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले के मालवण शहर के तट पर स्थित है, जो मुंबई के दक्षिण में 450 किलोमीटर यानी 280 मील की दूरी पर है। यह एक हिंदुस्तान का संरक्षित स्मारक है। इस किले का मुख्य उद्देश्य विदेशी आक्रमक जैसे अंग्रेज, डच, फ्रेंच और पुर्तगीज, इनके आक्रमकों का मुकाबला करना था, और साथ ही जंजीरा की सिद्धि और उनसे सुरक्षा हासिल करने के लिए यह किला बनाया गया था। निर्माण का पर्यवेक्षण 1664 में हीरोजी इंदुरकर ने किया था। किले को एक छोटे द्वीप पर बनाया गया था, जिसे खुरेड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस किले के निर्माण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 200 लोगों को लाया था। इसकी ढलाई में 4000 पाउंड से अधिक शीशे का इस्तेमाल किया गया था, और नींव के पत्थर काफ़ी मजबूती से बिछाए गए थे, जिसके कारण किला आज भी अजरामर है। किले का निर्माण 25 नवंबर 1664 को शुरू हुआ। 3 साल की अवधि में किला तैयार हुआ। समुद्र का किला यह 48 एकड़ में फैला है, जिसमें 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर लंबी प्राचीर है, और दीवारें 30 फीट यानी 9 मीटर ऊंची है, और साथ में 12 फीट मोटी है। ऐसे समय में जब समुद्र से यात्रा करना शास्त्रों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, ऐसे प्रतिबंधित समय में किले का निर्माण किया गया था। इस निर्माण के लिए इंजीनियर की क्रांतिकारी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता हुआ यह किला आज भी स्वयं अजरामर है। लोहे के सांचे के अवशेष आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। उससे पता लगता है कि किले की मजबूती कितनी ज़्यादा है। किले में रहने वाले स्थायी निवासियों की संख्या में इसके बाद गिरावट आई। अधिकांश निकासी रोजगार के अपर्याप्त अवसरों के कारण बाहर चले गए हैं, लेकिन कुछ परिवार आज भी वहाँ पर बने हुए हैं। ऊंचे पत्थर और तूफान के कारण बारिश के मौसम में इस किले को पर्यटकों के लिए बंद किया जाता है। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार को इस तरह से छुपाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बाहर से आसानी से दिखाई दे न सके। यदि किसी अपरिचित व्यक्ति ने नाव के माध्यम से किले में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उसे बाहर से दरवाज़ा ही नहीं दिखेगा, और किले का चक्कर लगाते लगाते वह किले के पहरेकारियों के पकड़ में आ जाएगा। इसलिए केवल वो लोग जो किले के परिसर से परिचित हैं, वे लोग किले में प्रवेश कर सकते हैं। चौथा, अंडरवाटर मार्ग। 16वीं शताब्दी में पानी के नीचे से रास्ता बनाने की छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही अच्छी कल्पना
तैयार की और इस कल्पना के माध्यम से अंडरवाटर मार्ग आज भी वहाँ पर मौजूद है। अंडरवाटर मार्ग अब विस्मय का विषय है और छत्रपति शिवाजी महाराज जो शानदार रणनीति और अफाट बलशाली थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी में इसे संभव बनाया था। किले के मंदिर में एक छुपा हुआ मार्ग है जो एक जल भंडार की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह मार्ग समुद्र के नीचे 3 किलोमीटर और 12 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके किले के नीचे से गुजरता है और वहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक नज़दीकी गांव तक जाता है, जो कि किले के टूटने के बाद महिलाओं के निकासी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से सिंधुदुर्ग किला काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सुंदर भी है। बारिश के मौसम में भले ही यहाँ पर प्रवासी और पर्यटकों के लिए प्रतिबंध लगा है, लेकिन ठंड के मौसम में यहाँ पर जो दृश्य दिखता है वो बहुत ही नयन रम्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही सही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।